तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए गए हो तो वीडियो को आप ध्यान से देखना और कोशिश करना कि पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हरे धनिए की पुदीने की चटनी। तो दोस्तों, सभी वैसे तो सभी को आती है ये चटनी बनाना, तो मेरे वीडियो में ऐसा क्या खास होने वाला है जो आप इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ऐसी चटनी बनाना बताऊंगा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक होगी, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो यही है कि मैं हेल्दी और पौष्टिक खाना बनाऊं और जो घर में सामान हो उसको यूज़ कर कर मैं ये चीज़ बनाऊं। तो दोस्तों, अभी मैंने ये एक गड्डी धनिया ले लिया, तो लगभग ये 100-150 ग्राम की बैठती है। तो एक गड्डी मैंने ये धनिया ले लिया, हरा धनिया ताज़ा, इसे धो लिया मैंने अच्छे से। देखो, बिल्कुल धोकर इसे मैंने साफ़ कर लिया। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया, इसको भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया था। एक हरी मिर्च ले ली, इसमें आप चाहें तो ज़्यादा मिर्च खाते तो ज़्यादा ले सकते हैं। एक अदरक का टुकड़ा ले लिया मैंने, और दोस्तों ये 10-12 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली। अब दोस्तों, इसमें प्याज भी हम डाल सकते हैं, लेकिन प्याज अगर आपको डालने हैं तो आपको चटनी को एकदम से खाना पड़ेगा, मतलब इसे आप रख नहीं सकते, और अगर ऐसे बनाते हैं तो आप इसे रख भी सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैंने ये धनिया ले लिया था, और ये पुदीना है, हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कलियाँ, और दोस्तों मैंने 2 टमाटर लिए हैं इसमें, और प्याज मैं नहीं डालूंगा क्योंकि फिर एकदम से खानी पड़ती है चटनी, तो प्याज, क्योंकि रखा हुआ प्याज खाना नहीं चाहिए, वो नुकसान देता है। तो ये मैंने ताज़े ताज़े 2 टमाटर लिए हैं और ये सारा सामान ले लिया है। अब दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं चटनी। तो चलिए, अब हमें चाहिए होगा एक मिक्सी का जार, तो चलिए अब मिक्सी का जार ले लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, अब ले लिया हमने मिक्सी का जार। तो दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले लहसुन डालने होंगे, तो यहाँ से ये हम लहसुन लेते हैं और इसमें डाल देते हैं जार में। और दोस्तों, ये अदरक का टुकड़ा, इसके टुकड़े कर दीजिए थोड़े से ताकि ये आराम से पिस सके। तो इसके हमने टुकड़े कर दिए हैं, एक टुकड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये भी कर दिया। एक हरी मिर्च हमने ली थी, इसको भी हमने टुकड़ा करके 2 डाल दिए। अब दोस्तों, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमने अच्छे से धो लिए थे, और दोस्तों अब टमाटर इसमें डाल देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें डाल दिए टमाटर काट कर, और अब दोस्तों हम इसमें डाल देंगे पुदीना। पुदीना भी आप जो है ताज़ा पुदीना लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तो अब हमने ये पुदीना भी इसमें ऐड कर दिया है। दोस्तों, हम इसमें डाल देंगे धनिया, तो यहाँ पर हमने ये धनिया भी इसमें रख देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया है, लगभग एक गड्डी धनिया हमने लिया था। तो दोस्तों, ये सारा सामान अब डल चुका है। अब दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें और डलेंगी और इससे इस चटनी का स्वाद हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त, और हेल्दी चटनी बनेगी। तो चलिए, अब वो चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। तो ये देखिए, ये गया जीरा। और दोस्तों, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं हम, लगभग एक चुटकी हींग डाल देते हैं। तो ये हमने हींग भी डाल दी है। तो अब दोस्तों, इसमें डालेंगे हम 1/4 स्पून अजवाइन। तो थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन भी डाल दी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से एक तो चटनी में टेस्ट आ जाएगा और चटनी बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब दोस्तों, हमारे को डालना होगा नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालना है, आपको जैसा नमक खाना है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा नमक का यूज़ करा है। और अब दोस्तों, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। तो दोस्तों, अब इसमें काली मिर्च भी चली गई। अब दोस्तों, एक चीज़ और इसमें डाल देता हूँ मैं, और वो दोस्तों है थोड़ा सा काला नमक। तो दोस्तों, काला नमक भी बहुत अच्छा होता है स्वाद के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, ये गया इसमें काला नमक, लगभग एक चुटकी। तो अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो डल चुकी हैं। अब दोस्तों, हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको पीसना है, बस केवल इसको ग्राइंड करना है अच्छे से।
और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अगर पानी की ज़रूरत ना पड़े तो मत डालिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान डल गया है। अब दोस्तों इसको हम पीस लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए अभी पेस्ट बनाकर इसको लेकर आता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया चटनी का, और अब देखते हैं इसका क्या लुक आया है। दोस्तों देखो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, ग्रीन कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी चटनी लग रही है मुझे, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इस तरीके को आपको पीसना है इस तरीके से, और ये हमारी चटनी बनके तैयार है। अब इसको एक बाउल में सर्व करते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमारी हरी चटनी बनके तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ये बनाइए, इस तरीके से बनाना तो चटनी में जान आ जाएगी और खाना भी हजम हो जाएगा और आपकी सेहत भी बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चोपड़ास किचन। थैंक यू एंड बाय बाय।